लगातार बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर जेडीपीआई पे एक डिटेल वीडियो दे दो। तो आज हम लोग बीएचयू के पीजी में जिन कोर्सेज के लिए जेडीपीआई ऑफर किया जाता है, आपको जेडीपीआई देके ही एडमिशन लेना होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस जेडीपीआई की तैयारी कैसे करनी है ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। कहां तक मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इस पूरे तैयारी में, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल पे मेरे जितने वीडियोस आ रहे हैं अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार आपके लिए ही वीडियोस बनाए जा रहे हैं। सो प्लीज स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऑलमोस्ट पूरे जेडीपीआई के कैंडिडेट जो हैं वो हजारों की संख्या में होंगे, तो ये वीडियो हर उन बच्चे तक जाना चाहिए, क्योंकि जेडीपीआई कोई बातें नहीं करता। यूट्यूब पे वीडियो बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, और यहाँ मैं आपके लिए तो पूरा एक मॉक इंटरव्यू लाने की बात कर रहा हूँ, यानी मॉक जेडीपीआई तक का अरेंजमेंट मैं सोच रखा हूँ, और वो भी जो आपके पैनल में बैठते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं उनके थ्रू लाने की बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप आज स्किप कर दो वीडियो को, लेकिन कल आप अपना फायदा देख के जरूर आ जाओगे। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बुला रहा हूँ, तो आप ऐसे ही आ जाओ, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेडीपीआई बीएचयू के लगभग इन 13 कोर्सेज में ऑफर किया जाता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हो और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी है बीएचयू, तो बीएचयू में आप इन 13 कोर्सेज में जब आओगे तो सीयूईटी पीजी एग्जाम देने के बाद भी आपको ये जेडीपीआई देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग बताना चाहूंगा, ये जेडीपीआई ऑफर पूरे अपियर्ड सीयूईटी एग्जाम के बच्चों को नहीं देना है। ये एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आती है, जो बच्चे भी मेरिट के अकॉर्डिंग लगभग 4 to 5 टाइम्स एक सीट बच्चों को बुलाया जाता है एज अ जेडीपीआई कैंडिडेट। तो प्लीज आप लोग इस भ्रम में भी ना रहें कि जिन बच्चों ने भी सीयूईटी में इन कोर्सेज में फॉर्म डाला था बीएचयू के लिए, उन सभी को जेडीपीआई कॉलिंग जाएगा, ऐसा नहीं है। जेडीपीआई कॉलिंग भी मेरिट के अकॉर्डिंग ही होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। कौन कौन से कोर्सेज हैं उस पर बात करते हैं। फर्स्ट है मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं एमटीटीएम। ठीक है, कोड भी दिया हुआ है, इससे भाई मतलब नहीं रखना है, हम लोग बेसिकली कोर्स जान लेते हैं पहले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम तो दे लिए, उन्हें पता ही नहीं कि उनके एग्जाम में अभी इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक जरूर देखना। मास्टर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये बीएचयू के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होता है, चलता है। ठीक है, यानी मेरे जस्ट पैरेलल जो क्लास चलती थी वो इन्हीं लोग की थी, मेरे बैचमेट थे ये। एमबीए इन एग्री बिजनेस, एमबीए इन सोशल वर्क जिसको हम लोग एमएसडब्ल्यू बोलते हैं, मास्टर इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जिसको हम लोग MPMIR बोलते हैं, अपने आप में अच्छा कोर्स है ये। मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वोकेशन फैशन टेक्नोलॉजी इन अपीरल डिजाइन, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर इन वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट सेकेंड है मास्टर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ओके, एंड लास्ट है मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये टोटल 13, जिसमें बीएचयू पीजी के बाद भी, सीयूटी पीजी एग्जाम के बाद भी आपसे जेडीपीआई कराएगा, उसके बाद ही आप बीएचयू में आ पाओगे, और ये कॉलिंग मेरिट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे एक डाउट बच्चों का रहेगा कि सर ये जो इंटरव्यू है ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। कोविड की वजह से कुछ समय तक ठीक है ये ऑनलाइन था, ठीक है ऑनलाइन था, लेकिन अभी ये ऑफलाइन टोटली हो चुका है। ठीक है, अब ये ऑफलाइन ही होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन जोरों से कर दें। इसका वेटेज भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, आप अच्छा जीडीपीआई दोगे तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज कोई दूसरा अच्छा देके आपका सीट ले जा सकता है। कॉल लेटर कब आएगा, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू का जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा तो इन कोर्सेज में बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब बच्चा जब इन कोर्सेज में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके बाद ये लोग अकॉर्डिंग टू द मेरिट 4 times या 5 times एक सीट पे बच्चों की कॉलिंग करेंगे। जैसे कि अगर किसी कोर्स में 30 सीट है, मान लो कि MPMIR में या मास कम्युनिकेशन के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में 30 सीट है, मैं मानता हूं ओरिजिनली बता रहा हूं, तो 30 का 5 times या 4 times, समझ गए कि नहीं, यानी 120 या 150 लोगों को कॉलिंग जाती है, वो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग होती है।
उसके बाद टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपके हेल्प के लिए टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया हूं, जिससे कि जीडीपीआई के बच्चे सेपरेट हो जाएं। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इन कोर्सेज में आने वाले जो बच्चे हैं, और रिक्वेस्ट है कि बस इन्हीं कोर्सेज आने वाले बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी के लिए मैंने अलग ग्रुप बना रखा है, तो जीडीपीआई पे पर्सनली फोकस कर सकूं, जीडीपीआई के लिए मॉक इंटरव्यू अरेंज कर सकूं, उनके लिए पर्सनली गाइड कर सकूं, उनकी स्पेशल व्यवस्था की जाए तैयारी के लिए, इसलिए ग्रुप बनाया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वही बच्चे ज्वाइन करें जो बीएचयू में जीडीपीआई देने जा रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि उनका निकलेगा, या अभी सब ज्वाइन कर लो क्योंकि अभी तो पता नहीं है कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। तो ज्वाइन हर कोई करेगा जो भी इन कोर्सेज का स्टूडेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं कि टॉपिक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो फिर भी अपना जानना चाहेंगे कि एक्चुअली मकसद क्या है इंटरव्यू का और किस तरीके से लोग एग्जाम लेते हैं। जीडीपीआई, जीडी और पीआई, ध्यान देना, ग्रुप डिस्कशन, यानी ये आपके लिए एक तरह से 4 से 5 लोगों का ग्रुप बना के टॉपिक दिया जाएगा और डिस्कस करने के लिए बोलेंगे। पीआई आपसे पर्सनली जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू लेगा। अब टॉपिक जरूरी कभी नहीं है कि कोई अगर एमबीए का है तो उससे फाइनेंशियल क्वेश्चन ही पूछे जाए, या उसे इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, बैंकिंग सेक्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाए। बेसिकली ये आपसे करंट सिनेरियो, करंट अफेयर्स टाइप के भी टॉपिक्स देके पूछ सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी रनिंग टॉपिक है तो पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्ट पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड है, नॉट पार्टी, पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सोशल वैल्यूज से रिलेटेड है, वो टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं। उसी तरीके से पर्सनल इंटरव्यू में भी आपसे जनरली आपका इंट्रोडक्शन और रिलेटेड टू योर कोर सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट्स में आप आना चाह रहे हो, क्यों आना चाह रहे हो, इस तरीके, क्योंकि मैंने एक बार का इंटरव्यू दिया है किसमें, ये सोशल वर्क में, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मैं जब इस कोर्स में दिया था, मेरे टोटल मैं 5 एग्जाम दिए, मेरे 5ों में सिलेक्शन हुए, और फिर मैं एक में अपना एडमिशन प्रॉपर ले लिया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब बाकी डिटेलिंग जो है वो पर्सनली, क्योंकि आप यूट्यूब पे पता नहीं जीडीपीआई के वीडियोस आपको मिले या मैं बनाऊं या ना बनाऊं, तो बेसिकली आप वो ग्रुप ज्वाइन करो जिससे कि मैं आपको पर्सनली वहां पे ही चीजें दे दिया करूं। बहुत ज्यादा लोग हो नहीं, इस वीडियो को भी रेयरली बहुत कम लोग देखेंगे जिनकी बहुत नीड है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, हर किसी तक पहुंचना चाहिए, और ये पूरे बच्चे जो है इस ग्रुप में जरूर आ जाए। तो प्लीज जल्दी से जो है अपना इस डिस्क्रिप्शन का लिंक देखो और वहां से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डिटेलिंग फर्दर होगी तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपका शॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, हर हर महादेव।